नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 38,44,44,000 रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिसमें से 35.13 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 3.31 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। आम आदमी पार्टी ने पौड़ी के सर्किट हाउस के पास कंडोलिया रोड पर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने शिरकत की है। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है और जिले का मुख्यालय भी है। पौड़ी जिले में कुल 6 विधानसभा हैं। पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी ने बताया कि जिस तरीके से पहाड़ों से पलायन हुआ है, उसका एक बड़ा और बहुत बड़ा कारण मंडल स्तर के अधिकारियों का मुख्यालय में ना बैठना भी है। उन्होंने बताया है कि आम आदमी पार्टी आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र के 24 सेक्टर में उसको बांट दिया गया है। हर सेक्टर पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस के अलावा अन्य सभी अधिकारी इन टेंट में बने प्रशासनिक कार्यालयों में रहकर ही मेले की व्यवस्थाओं का संचालन करेंगे। मेलाधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने हर की पौड़ी क्षेत्र में बने सेक्टर का निरीक्षण किया है और इस सेक्टर में बने टेंटों में बिजली, शौचालय, साफ सफाई, जल निकासी आदि व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को बाकी बचे कामों को जल्द से जल्द पूरा कराने के दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। कुंभ नगरी हरिद्वार अब साधु संतों के भगवे रंग से रंगने लगी है। संत नागाओं का कुंभ नगरी में प्रवेश शुरू हो चुका है। आज निरंजनी अखाड़े के रमता पंच के नगर प्रवेश पेशवाई निरंजनी अखाड़े से निकलकर अखाड़े की छावनी पीजी कॉलेज पहुंची है। पेशवाई में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरिगिरी के साथ साथ निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविन्द्रपुरी भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने जन विरोधी नीतियों से नाखुश होकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर निशाना साधा, जिसमें पूर्व मंत्री ने सड़कों की बदहाल दुर्दशा को लेकर अनशन की चेतावनी दी है और कोटद्वार में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में जन आक्रोश रैली का ऐलान भी किया है। अगर सरकार विधानसभा सत्र में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने का फैसला नहीं लेती है तो 1 मार्च को विशाल जन आक्रोश रैली निकालने की चेतावनी भी दे दी गई है। देखिए, इसमें सीधा सीधा जो है मैं समझता हूँ लापरवाही से उस केस को ठीक से वहां पर रखा नहीं गया, जिसकी वजह से एक बार पुनः लाल धाम ये अपना कोटा से कालागढ़, कालागढ़ से रामनगर मोटर मार्ग जो बहुत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है जो दोनों मंडलों को जोड़ने वाला है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा और इसमें सरकार दोषी है, वन मंत्रालय जो है वो दोषी है, वन मंत्री जो मुखिया है वन विभाग के वो दोषी है। वो चाहते तो इसकी पैरवी सख्ती से करते और पैरवी मजबूती से करते तो मैं समझता हूं कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जो है विगत जो आजादी के बाद से चल रहे मोटर मार्ग है जो यातायात के लिए है और जनता के सुख सुविधाओं के लिए है उसको रोक नहीं लगाती, ये निश्चित रूप से सीधा सीधा लापरवाही का कारण है। तो इसके लिए जिम्मेदार जो है राज्य सरकार भी है, वन मंत्री भी है और वन मंत्रालय भी है। रुड़की के लक्सर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से स्मैक की तस्करी का धंधा जोरों पर चल रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि कुआखेड़ा गांव के पास स्मैक तस्कर स्मैक बेचने आए हुए हैं। मिली सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपने जाल बिछाया और भारी फोर्स के साथ पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे तस्करों में से एक तस्कर को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से स्मैक भी बरामद की गई है। फिलहाल तस्कर को जेल भेजा गया। और वहीं देहरादून में पुलिस ने मोबाइल शोरूम में चोरी करने वाले गैंग के लीडर सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 8 फरवरी को देहरादून के पौश इलाके घंटाघर के पास चोरों ने एक मोबाइल शोरूम के शटर को बिना तोड़े उससे लाखों के मोबाइल फोन चोरी कर लिए थे। ये गैंग बड़े ही शातिर तरीके से शटर को जैक लगाकर उठाते हैं और उसके बाद इसका एक साथी शोरूम के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। जानकारी के मुताबिक ये गैंग चोरी के मोबाइल फोन को नेपाल में बेचते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। और वहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों में भर्ती व्यापारियों और आम जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों में हो रही समस्याओं को जल्द समाधान की मांग करते हुए अधिकारी को ज्ञापन दिया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राजकुमार ने कहा कि कोरोना में आम जनता और व्यापारी वर्ग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को व्यापारियों की समस्याओं से राहत के लिए नई योजना लानी चाहिए,
लेकिन दूसरी ओर इसके विपरीत सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर व्यापारी और आम जनता को परेशान करने का कार्य कर रही है। स्मार्ट सिटी के कार्यों के नाम पर जगह जगह सड़कों की खुदाई की गई है, लेकिन सड़कों को बनाया नहीं जा रहा है। जी का कार्य लगातार शहर भर में खुदाई का चल रहा है। इन्होंने बहुत सारी गलियों की, बहुत सारे मेन रोडों की पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें और नालियां व सड़कें खोद के डाल दी हैं और ना तो उन पर पैचवर्क कर रहे हैं, ना उनकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। तीन तीन चार चार माह हो जाते हैं, लोगों को आवागमन में इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि लोग गिरे फिर रहे हैं। ऐसे ही पलटा मजार में इन्होंने भारी भारी गड्ढे कर दिए हैं और भारी गड्ढे करके उन पर ना रिपेयरिंग हो रही है, ना उनके पाइप बिछ रहे हैं, ना अंडरग्राउंड जो इन्होंने तार डालने थे वो नहीं डल पा रहे हैं। लोगों को आवागमन में इतनी परेशानी हो रही है और पलटा बाजार में लगातार धूल धड़का चल रहा है, ना वहाँ ये पानी डाल रहे हैं और लोगों की दुकानों में धूल भर रही है। जो जितने भी नए कपड़े होते हैं वो सब पुराने के होने लगे हैं। व्यापारी भाई सफाई कर करके परेशान हो रखा है। ऐसे ही बड़ी बड़ी शहरों में जाम लग रहे हैं, चाहे इसी रोड हो, न्यू रोड हो, आरागर हो या डालनवाला हो, सभी जगह लंबे लंबे जाम दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा जहां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं, तो वहीं अब उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी पंतनगर पहुंची है और वरिष्ठ नेता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने पत्रकारों से कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मॉडल प्रदेश बनाया जाएगा। यहां पंतनगर पहुंचे दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा है कि उत्तराखंड में शिक्षा स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली तर्ज पर विकास कार्य करेगी और एक सिक्के के दो पहलू वाली भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को उखाड़ फेंकेगी। अंडी तिवारी जी लाल कोई नहीं, उनका पूरा उत्तर प्रदेश उनका कार्य क्षेत्र रहा, भारत भी उनका कार्य क्षेत्र रहा, वो विकास पुरुष के नाते से जाने जाते थे और उनकी धरती से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में चुनाव को लेकर के अनेक विचारधाराएं चल रही हैं, कांग्रेस अपनी डपली अपना रहा, कम्युनिस्ट अपना, और वर्तमान सरकार उनकी विचारधारा कुछ और ही अलग है। उनकी विचारधारा एक ही बेस है, हिंदू मुस्लिम। हम इन सब विचारधाराओं से हटकर विकास भी एक विचारधारा हो सकती है, मैं विकास के नाम पर वोट देना शुरू करूं, विकास मेरा मुद्दा हो कि दिल्ली ने जनता को, जिसमें जनता का हित है, देश का हित है, व्यक्तिगत हित है, मैं उन्हीं को आज समझने के लिए आया हूं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर कैसे तालमेल कर सकती है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने श्री चंद्र भगवान की मूर्ति का लोकार्पण किया है, जिसको लेकर आज चंद्राचार्य चौक पर समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मूर्ति का पूजा पाठ और विधि विधान के साथ लोकार्पण किया। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, बड़ा अखाड़ा के कोठारी महंत दामोदर दास, आचार्य बालकृष्ण सहित बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि श्रीचंद्र एक महान संत थे, जिन्होंने अपने समय में जात पात छोटे बड़े के भेदभाव को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।